दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको साइकोलॉजी के कुछ रूल बताने वाला हूं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ में कोई गोल या लक्ष्य नहीं होता है उसमें इस टाइप के बिहेवियर नजर आते हैं। ये ज्यादातर अपना समय अच्छे लोगों की बजाय फोन के साथ बिताते हैं। ये लोग अपने बनाए प्लान अक्सर कैंसिल कर देते हैं, कोई भी अच्छी आदत कुछ दिन तक ही फॉलो करते हैं और फिर से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ये हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हैं, जैसे वीडियो गेम्स, मूवीज, वेब सीरीज देखना, हर एक पार्टी में जाना। इसलिए साइकोलॉजी कहती है अगर आपको खुश रहना है तो आपके पास एक मकसद जरूर होना चाहिए। नंबर दो, दोस्तों, क्या जब आप मंदिर या किसी आध्यात्मिक जगह पर जाते हैं तो भगवान से कुछ मांगते हैं? साइकोलॉजी की रिपोर्ट में एक बात पता चली है, जब भगवान से कोई कुछ मांगता है और उस बात को सिर्फ अपने तक ही रहने देता है, अपने किसी दोस्त या किसी और को नहीं बताता है, तो ये इच्छा पूरी होने की ज्यादा संभावना होती है और बता देने से संभावना कम हो जाती है। तो अगली बार जब भी आप भगवान से कुछ मांगे तो उसे अपने तक ही रहने दे। नंबर तीन, दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्मार्ट लोग जो होते हैं ये अपने ट्रेवल टाइम में क्या करते हैं? हाल ही एक रिसर्च में पाया गया है जो इकोनॉमी क्लास वाले लोग होते हैं, यानी जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया है, ये लोग ट्रेवल करते समय मूवीज देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं और ऐसे ही अपना टाइम पास कर लेते हैं। लेकिन जो फर्स्ट क्लास लोग होते हैं, जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, जिन्हें पैसे की कोई टेंशन नहीं होती है, ये लोग ट्रेवल टाइम में बुक्स पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। नंबर चार, दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि आप उस चीज को मत छोड़ो जो आप सच में चाहते हो, क्योंकि इंतजार मुश्किल है लेकिन पछतावा करना उससे भी बुरा है। यानी कि आपका कोई गोल है या इच्छा है जिसे आप सच में पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें हार्ड वर्क की जरूरत है, पेशेंस या धैर्य की जरूरत है, ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में छोड़ने का या क्विट करने का सोचते हैं, क्योंकि ऐसा करना आसान होता है लेकिन बाद में जो पछतावा होगा वो इससे कहीं ज्यादा परेशान करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।